राकेश पापट ने लिखा इमोशनल नोट, सनिता सेट्टी के साथ कंफर्म ब्रेकअप का फैंस ने लगाया अंदाजा। बॉलीवुड एक्टर राकेश पापट रिधि डोगरा के साथ करीबियों को लेकर सुर्खियों में हैं। तो वहीं सनिता सेट्टी के साथ उनकी ब्रेकअप की खबर ने भी बीते दिनों खूब सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि दोनों की तरफ से ब्रेकअप का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है और शायद यही कारण है कि राकेश पापट ने जब एक इमोशनल नोट अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा तो फैंस अंदाजा लगाने लगे कि सनिता के साथ उनका वाकई ब्रेकअप हो गया है। दरअसल राकेश पापट ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वह अपने घर के झूले में बैठे हुए हैं। तस्वीर में वह काफ़ी गंभीर नजर आ रहे हैं और इतना ही गंभीर उन्होंने कैप्शन भी लिखा है। कैप्शन में राकेश पापट ने लिखा, कुछ बातों के मतलब हैं, कुछ मतलब की बातें हैं, जब से फ़र्क समझा तब से ज़िंदगी आसान है। जहां राकेश पापट के एक फ़ैन ने लिखा, कैप्शन से तो लग रहा है कि ब्रेकअप हो चुका है क्लियरली, वहीं एक दूसरे यूज़र ने लिखा, हाँ अब तो क्लियर लग रहा है कि ब्रेकअप हो गया है। और राकेश सनिता को डेट कर रहे होते तो शायद वह रिद्धि और रिद्धिमा के साथ पार्टी नहीं करते और पिक सोशल मीडिया पर नहीं डालते, क्योंकि सनिता काफ़ी पॉजिटिव हैं और मुझे नहीं लगता कि अब इनके बीच पैचअप होने वाला है, क्योंकि पब्लिकली बेइज्जती हो गई इसके कारण। इसके साथ ही एक और यूज़र ने लिखा, सारा से बहुत अटैचमेंट हो गई थी बट लगता था हमेशा, क्योंकि इट वॉज टू गुड टू बी ट्रू, अब तो विश्वास ही उठ गया है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सनिता और राकेश की जोड़ी को फैंस काफ़ी पसंद कर रहे थे और इनकी ब्रेकअप की खबरों के बाद फैंस को काफ़ी धक्का लगा है। फैंस इनके पैचअप का इंतजार भी कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि क्या फैंस की इच्छा पूरी होती है या फिर उनके हाथ मायूसी ही लगती है। वैसे इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और इस तरह के वीडियोस लगातार पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।